समझ नहीं वो किधर है ऐसी जी मैडम और पीछे पीछे की छापी जा रही है मैडम स्टाफ की ड्यूटी है जितना थर्ड क्लास फ्रूट है यहाँ मैम ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना इस पर ये लोगों के लुटेरों के हाथ लोगों को छोड़ दो गवर्नमेंट यहाँ में भी जवाब दे रहे आपका फर्ज है आप तनख्वाह इस चीज की लेती हूँ मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ आप लेती हैं कि क्या देखिए क्या गलत हो रहा है तो मैडम इसको आराम से बात की जा सकती है आपकी उस वक्त से कभी आपको पांच साल बरामद कर रहे हैं आप गिजट पे आई हैं और तो राशि सबके लिए है आपके लिए आपको आसमान से उतरी हुई है भाइयों के लिए राशि नहीं है आपको ज्यादा जान अजीज है बाजार तू तो सस्ता चीज मिलती है भाई लिमिट बहुत कम है लिमिट बहुत कम हाँ तो ये है कि मैं अब तक कोई तकरीबन दर्जनों रमजान बाजार चेक कर रही हूँ सबसे बुरा वक्तनीन हालात और इंतजामिया की नाहली से जुड़ा ये बाजार हमारे अपने शहर का है और ये इस बात की इक्कासी करता है कि यहाँ की इंतजामिया जो है उसे अवाम की नहीं अपनी फिक्र है जब आप अपनी फिक्र करते हैं एसी वाली गाड़ियों से नहीं निकलते हैं एसी वाले कमरों में विराजमान रहते हैं क्योंकि आपको रोजा ज्यादा लगता है तो अवाम के साथ जुड़े जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते तो जो यहाँ की इंतजामिया उसकी सारी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को मैं खुद दूंगी और इस बाजार की कारकर्दगी के हवाले से भी उनको अपडेट दूंगी कि किस तरह जिला सियालकोट के अंदर अवाम जो है आपकी इंतजामिया की नाअहली की कीमत अदा कर रहे हैं और किस तरह जो है वो हमारी यहाँ की एसी क्योंकि मुझे यकीन है कि डीसी के नोटिस में ये नहीं होगा लेकिन डीसी को भी ये देखना चाहिए कि अगर उसकी एसी आके उसको सब अच्छा की रिपोर्ट देती है तो वो झूठ बोल रही है मौके पर मीडिया ने देख लिया कि यहाँ की क्या बदतरीन सूरत हाल है तो इस हवाले से हमें अपनी तरजीहात तय करनी है क्योंकि हम अवामी लोग अवाम को जवाब दे हैं हमने कोई एक हुकूमत चली जाए तो दूसरी हुकूमत के साथ फिर नहीं नौकरी ले लेनी हमें अवाम के साथ जिंदा रहना है और जो उनके मसाइल हैं उसकी हमने जंग लड़नी है और इंतजामिया को हर हाल में हकूमती तरजीहात पे अमल करना है ये नहीं हो सकता कि इंतजामिया जो है हकूमत के खिलाफ साजिश में मसरूफ हो मैं ये समझती हूँ कि ये जो इस वक्त इस बाजार के अंदर नाकस सूखे हाल है ये इंडिकेट करती है कि इंतजामिया किसी साजिश के तहत इस शहर के अवाम को हकूमत से मुतनफर करवा रहे हैं और जो बाकी शहरों में इंतजाम है सिटीजन एल्डर सिटीजन जो बुजुर्ग शहरी हैं उनके बैठने के लिए इंतजाम है वहाँ अच्छी टेंटेज है बाजारों के अंदर प्रॉपरली लोगों को लुक आफ्टर किया जा रहा है यहाँ जिस किस्म का बाजार का माहौल है ये एक मेन शहर के अंदर बाजार है तो बाकी तहसीलों में क्या हो रहा होगा अब बाकी तीन तहसीलों में भी हमने देखना है कि वहाँ